आमिर खान के साथ फिल्म दंगल में बबीता के किरदार से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस सुहानी भटनागर अब बड़ी हो चुकी है और सोशल मीडिया पर लोग उनके बदले हुए लुक को देख काफी एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड के साथ ही टीवी इंडस्ट्री में भी समय समय पर छोटे छोटे किरदारों ने भी अपने अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाते आए हैं और बॉलीवुड की एक ऐसी ही फिल्म है दंगल। इस फिल्म में आमिर खान और साक्षी तंवर लीड रोल में थे। ये फिल्म पहलवान गीता बबीता के ऊपर फिल्माई गई थी। फिल्म में आमिर खान की बेटी के रूप में गीता बबीता के किरदार ने जान डाल दी थी। बता दें कि फिल्म में गीता का किरदार जायरा वसीम ने जबकि बबीता का किरदार सुहानी भटनागर ने निभाया था। लेकिन अब फिल्म की नन्ही कलाकार गीता बबीता बड़ी हो चुकी है। रिसेंटली बबीता यानी कि सुहानी भटनागर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों में बबीता यानी सुहानी भटनागर का लुक अब काफी बदल चुका है। फैंस भी बबीता के इस बदले लुक को देख काफी एक्साइटेड हैं और बबीता के इस लुक को वो काफी पसंद भी कर रहे हैं। किसी ने कहा कितनी बदल गई हो, सो ब्यूटीफुल, तो किसी ने लिखा कि यकीन नहीं होता ये वही बच्ची है, गॉर्जियस। हे, आई हैव सीन सो मेनी पिक्चर्स ऑफ योर्स एंड आई हैव सेड दैट यू आर अ प्रोफेशनल जस्ट लाइक अ मॉडल, यू नो हाउ टू पोज प्रॉपर्ली, माय फेवरेट हीरोइन, यू आर वेरी क्यूट, आई वॉच्ड योर मूवी दंगल, देन आई डिसाइडेड टू लुक फॉर यू, लुकिंग सो क्यूट एंड रियल गॉर्जियस लुक। बता दें कि सुहानी भटनागर बचपन में ही एक्टिंग की ओर अपना रुख किया। सुहानी ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों से किया और उन्होंने अपनी पढ़ाई फरीदाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है। सुहानी को एक्टिंग के अलावा सिंगिंग और डांसिंग का भी शौक है। सुहानी भटनागर ने आमिर खान के साथ फिल्म दंगल से बॉलीवुड में कदम रखा। खैर, नन्ही बबीता का ये बदला लुक आपको कैसा लगा बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।